सरकार की अग्निपथ भर्ती योजना को लेकर युवाओं की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आ रही है। कुछ युवा मानते हैं कि चाहे 4 साल की सही लेकिन देश की सेवा तो करेंगे, लेकिन कुछ युवा इसे सही नहीं मान रहे। सेना में भर्ती की तैयारी कर रहे सैकड़ों युवा इस योजना से बहुत ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे। 4 साल ड्यूटी करवाएंगे, उसके बाद कोई नहीं हमें फैसिलिटी दे रहे, नहीं मेडिकल फैसिलिटी दे रहे, ना ही कोई रिलेशन वगैरह की दे रहे हैं, इससे हम ना खुश हैं। अगर आगे के को मेरा भाई भी प्रैक्टिस करेगा तो फिर वो सपना ही उसका टूट जाएगा पहले से। योजना अच्छी नहीं लगी, योजना अच्छी नहीं है बिल्कुल भी। दिखाई दे रहा ये नज़ारा डिफेंस अकेडमी के नाम से मुकेश फौजी, जो कि पूर्व में देश की सेवा कर चुके हैं और अब रिटायर होकर फ्री में युवाओं को देश सेवा के लिए न केवल प्रेरित करते हैं बल्कि युवाओं को शारीरिक रूप से भी फौज के लिए भर्ती में सक्षम बना रहे हैं। कड़ी मेहनत और मशक्कत युवाओं से इसलिए कराई जा रही है ताकि सेना में भर्ती होकर देश की रक्षा कर सकें। लेकिन जिस तरीके से अब सरकार ने अग्निपथ योजना के तहत युवाओं को भर्ती करने का फैसला किया है, युवाओं को यह बात हजम नहीं हो रही। सेना में भर्ती होने के लिए युवा भरपूर मेहनत करते हैं, लेकिन इस योजना से सरकार उनकी इस मेहनत पर पानी फेर देगी। अगर सरकार युवाओं को 4 साल के लिए सेना में भर्ती कर लेती है तो 4 साल बाद युवा बेरोजगार हो जाएंगे, या तो उन्हें किसी प्राइवेट कंपनियों में नौकरी करनी पड़ेगी या इधर उधर भटकना पड़ेगा। इसलिए इस योजना से युवाओं को ज्यादा फायदा नहीं होने वाला है। मैंने सर 12th पास आउट कर रखी है मैंने, और अभी कॉलेज चल रहा है, आर्मी की तैयारी कर रहा हूँ। कौन कराता है यहाँ पर आर्मी की तैयारी? सर हमारे सर कराते हैं, मुकेश सर। अच्छा, उनके अंडर कर रहे हैं? हाँ जी सर। तो पैसे वैसे लेते हैं? नहीं सर, निःशुल्क सर। निःशुल्क? हाँ जी सर। कब से करा रहे हैं? हो गए सर लगभग 2 साल हो गए सर। आप कब से कर रहे हैं? मुझे भी सर मतलब जब से अकेडमी स्टार्ट की जब से मैं इनके साथ ही हूँ। अग्निपथ निकाली है जो योजना, हम इसमें सर हम खुश नहीं है सर। इससे क्या है कि बंदे 4 साल करके जो मतलब आर्मी में करने के बाद कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? जिन जिन को बंदे जैसा हमारा सपना आ गया सर इंडियन आर्मी करना, लेकिन हम करेंगे, लेकिन हम खुश नहीं है इस चीज़ से बिल्कुल भी, क्योंकि 4 साल बाद बंदा परेशान होगा जिनका कहाँ जाएगा, इधर उधर नौकरी के लिए ढूंढना, इधर उधर नौकरी के लिए डोलेगा, परेशान डोलेगा, इससे कोई फायदा नहीं है, लेकिन हम खुश नहीं है सर। तो आप जाना नहीं पसंद करेंगे? सर मेरा तो सपना, मेरे घर में किसी ने बेल्ट की नौकरी नहीं है, आर्मी में मुझे करना है, मुझे लगना तो है ही है, लगूंगा। तो सर योजना तो सर अच्छी नहीं लगी। कारण सर 4 साल बाद हम करेंगे क्या? प्राइवेट सेक्टर में सरकार बोलती भी जॉब दे देंगे सर, आजकल परमानेंट का भरोसा नहीं है। आपने देखा तभी कुछ टाइम पहले लॉकडाउन हो गए थे सर, लोगों के लिए खाने के लाले पड़ गए थे। तो सर अब 4 साल बाद कैसी क्या स्थिति हो, क्या किसी को कुछ नहीं पता ना सर। प्राइवेट सेक्टर में जॉब मिले ना मिले कुछ नहीं हो सकता, तो जिंदगी सेटल भी होनी जरूरी है। जिंदगी सेटल सर अगर हम अभी से ही प्राइवेट की तैयारी कर लें तो सर जी अगर 4 साल में सर इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हम कुछ भी कर सकते हैं। जो सर आप पैकेज बता रहे हो 4 साल में अगर हमें कुछ भी मिलता है तो सर वो तो हम अभी 12th के बाद करके कुछ कोर्स वगैरह तो उससे भी मिल सकती है हमें, जो सरकारी योजना बता रही है 4 साल। यस सर, अगर आर्मी की तैयारी करें सर, अगर इससे बढ़िया हम 400 मीटर एथलीट गेम खेले सर, रेलवे में तो नौकरी मिल जाएगी।